भाभी जी, ओ भाभी जी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं देवर जी, खाना बना रही हूँ। अरे भाभी जी, मैंने आपको कल का बोल रखा है कि मेरे कपड़े धो देना, लेकिन आपने अभी तक नहीं धोए हैं। देखो देवर जी, मैं भी कोई बेटी नहीं थी, घर का कुछ न कुछ काम काज ही कर रही थी। खैर छोड़ो, खाना बाद में बना लूंगी, पहले आपके कपड़े धो देती हूँ। अरे भाभी जी, आपको तो पता है ना, बारिश का मौसम है, आप कब कपड़े धोगी और कब सूखेंगे और मैं स्कूल कब जाऊंगा? अगर आपको अपनी पढ़ाई की इतनी ही चिंता है तो कल स्कूल से आने के बाद थोड़ा कम मोबाइल देखते और अपने कपड़े खुद धो लेते। अब तो तुम भी बच्चे नहीं रहे, तुम भी जवान हो गए हो। अरे भाभी जी, आप घुमा फिराकर बात क्यों कर रही हो? साफ साफ बोलो ना, आप मेरा कोई काम नहीं करना चाहती, काम चोरनी कहीं की। अरे आकाश, तुम अपनी भाभी से ये किस तरीके से बात कर रहे हो? थोड़ा तो उनकी उम्र का लिहाज रखो, वो तुमसे उम्र में बड़ी है। देखो विकास भैया, तुम तो कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है। मैं जानता हूँ, शादी के बाद तुम पूरे बदल गए हो, तुम्हें अपनी बीवी में कोई कमी नजर नहीं आती, हर वक्त मुझे ही गलत ठहराते हो। ऐसी बात नहीं है छोटे, तू भी इसी घर में रहता है और ये बात तू भी जानता है कि तेरी भाभी सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक घर का सारा काम काज करती रहती है, और अगर कोई काम ना कर पाए तो थोड़ा बहुत हमें भी कर लेना चाहिए, हम कोई घिस थोड़ी जाएंगे। अरे भैया, मैं ये बात पहले से ही जानता था कि तुम अपनी बीवी के माया जाल में फंस गए हो, लेकिन आज ये साबित हो गया है कि तुम पूरी तरह से जोरू के गुलाम बन चुके हो। अरे देवर जी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो वो मुझे भी डांट फटकार लगाते हैं। रही बात जोरू का गुलाम बनने की, तो तुम घर के सभी लोग मुझे ताने मारोगे। और अगर मेरा पति ही मेरा नहीं होगा तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? हाँ छोटे, ये बात तुझे भी जान लेना चाहिए कि शादी से पहले हर लड़की अपने माँ बाप की लाडली होती है, और शादी के बाद जब वो अपने ससुराल में जाती है तो उसे ही अपना घर मान लेती है। उसके साथ हंसी खुशी रहना चाहिए, और वो अकेली घर का सारा काम ना कर पाए तो थोड़ा बहुत हमें भी काम में हाथ बटा देना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो